फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कारक नहीं है, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि मैम एग्जाम्स का मौसम चल रहा है, प्लीज हमें कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे हम एग्जाम के प्रेशर को कोप अप कर पाए. तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा. तो आपका जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है वो है कि एग्जाम के पहले दिन आपको आपको कैसे अपने आप को कंडीशन करना चाहिए. क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ तो मुझे लगा कि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि एग्जाम का मौसम है. और ये जो मैं बना पहले ही मैं कुछ बना चुकी हूँ ट्यूटोरियल्स, उसके मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी. बट जो थोड़ा बाद में सब्सक्राइब किया है उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम सरस्वती है और मैं 27 सालों से टीचिंग कर रही हूँ. मैंने CBSE, IGCSE और IB जैसे कई कार्यक्रम पढ़ाए हैं. तो विद माय एक्सपीरियंस लेट मी गेट स्टार्टेड विद द न्यू रिक्वेस्ट विच केम इन फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई एम मेकिंग इट अ टू सीरीज. तो मुझे यह उम्मीद है कि ये आपको जो है वो अच्छा लगेगा और आपको जो है फायदा करेगा आपके रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए. एंड तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद 5 टिप्स जो आपके एग्जाम की या परीक्षाओं के स्ट्रेस को कम करने में सहायक होगा. एज अ स्टूडेंट आपके लिए परीक्षाएं बहुत बहुत अनिवार्य हैं. समझने वाली बात यह है कि तैयारी कैसे करें इसकी, तो स्ट्रेस ना लें. तो देखिए, अगर आपने खिलाड़ी को ऑब्जर्व किया है तो कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, चाहे फुटबॉल के मैच का हो, चाहे वो कबड्डी खेलता हो, चाहे वो कोई भी टेनिस प्लेयर हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, कोई भी हो, तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है. तो कैसे अगर आप उसके चहेते कलाकार, फॉर एग्जांपल क्रिकेट ले लीजिए, कोई भी जब बैट्समैन जाएगा या बॉलर जाएगा तो आप उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो ताकि वो गेम में सबसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके. तो स्टूडेंट्स भी एग्जाम जब आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का जो है पालन करना होता है. एंड आई एम श्योर अगर इन छोटी छोटी टिप्स मैं देना चाहूँगी, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू योर एग्जाम्स वेरी वेरी वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं. तो पहला टिप नंबर 1, आपके एग्जाम्स की जो सारी तैयारियां हैं वो एक दिन पहले कर ले, प्रीवियस नाइट. सारे सामान जो आपको लेके जाने हैं, सबसे पहले हॉल टिकट. आप इंक पेन से लिख रहे हैं तो आप कृपया पेन में इंक भर लीजिए. अगर आप बॉल पॉइंट पेन से लिख रहे हैं तो 2 या 3 एक्स्ट्रा रख लीजिए. पेंसिल्स, शार्पनर्स, इरेजर्स, स्केल. और कुछ कुछ स्कूलों में जो है टिपेक्स अलाउड नहीं होता है, कुछ कुछ स्कूलों में अलाउड होता है. तो प्रायः बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षाओं में टिपेक्स जो है आप नहीं यूज नहीं कर सकते हैं. आईबी की परीक्षाओं में, IGCSE की परीक्षाओं में टिपेक्स जो है बिल्कुल यूज नहीं करते. तो ये सारी चीजें जो स्टेशनरी है उनको आप पहले से ही तैयार कर रख लें. अपना एक फर्स्ट थिंग, एग्जामिनेशन टिकट के साथ आपकी स्टेशनरीज पहले ही रात को तैयार करके रख लीजिए. ओके, सेकंड पॉइंट, आपके अलार्म क्लॉक को फोन पर या वॉच पर जो भी होगा उसको जो है आप 1 घंटे पहले के टाइमिंग से सेट कर लीजिए. वैसे मम्मी या पापा आपको पक्का उठाई देंगे, और जो बच्चे मम्मी पापा से दूर रहते हैं उनके लिए है कि आप अपने अलार्म क्लॉक को 1 घंटे पहले, डोंट थिंक हाफ एन आवर इज इनफ, नहीं, आप जो है उसको स्नूज को बजाते रहोगे तो इट डजंट हैपन दैट वे. सो 1 घंटा पहले जो है आप अपना अलार्म क्लॉक लगा लीजिए ताकि आपके उठने के लिए जो आप सुस्ती लेते हैं उसके साथ जो है उठते समय आपका जो है वक्त ठीक हो जाए. अब आपने जो है वो अलार्म क्लॉक सेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, सोना तो जरूर है. इम्तिहान के पहले प्लीज देर रात तक बैठकर लेट नाइट स्टडीज ना करें. अगर वो लेट नाइट स्टडीज कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी आपके लिए, अगर वो हेल्पफुल रहेगा तो. एग्जाम के प्रीवियस पहले वाले दिन देर रात तक कृपया ना पढ़ें, मन को शांत करें. या तो आप जो है कोई मेडिटेटिव धुन सुनिए या फिर ऐसा एक सोल सूदिंग म्यूजिक कुछ लगाइए जिससे आप शांत हो जाएं
और बेस्ट थिंग शांत होने के लिए मेडिटेशन है। अगर म्यूजिक लगा रहे हैं आप, आंखें बंद करके थोड़ी देर आप टेंशन को कम कर देते हैं तो नींद अच्छी आएगी। नेचुरली अगले दिन अलार्म बजेगा और आपको उठना है, और उठते समय जो है आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ उठिए। घबरा कर बिल्कुल मत उठिए। सो ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला या डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इफ मैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो ऐसे विचारों को, ऐसे थॉट्स को प्लीज अपने मन में मत लेकर आइए। एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप उठिए और ये डिटर्मिनेशन के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ उठिए कि आप उस दिन जो एग्जाम है उसको आप उसको फाड़ डालने वाले हैं और उसको आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। दिस इज अ पॉजिटिव फीलिंग विच यू शुड वेक अप विद। इसके साथ आप उठिए, नहाकर धोकर उसके बाद जो है आ जाती है आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली स्कूल के यूनिफॉर्म में, कंफर्टेबल स्कूल यूनिफॉर्म में, कि बहुत मतलब स्कर्ट्स या पैंट्स जो है बहुत टाइट ना हो, कॉटन नेचुरली आपकी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म अगर पहन रहे हैं तो यू हैव नो चॉइस, बट अगर आप फ्री क्लोथ्स आपके लिए है तो गो इन फॉर सम कॉटन वन एंड जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। कपड़े जो है बहुत बहुत तंग कपड़े ना पहने, थोड़े खुले कपड़े और कॉटन में अगर वो है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो ब्रीदिंग मटेरियल में होगा और आपके टेंशन की वजह, स्ट्रेस की वजह से आपके बदन में गर्माहट जरूर होगी तो उसको वो कम करके, कपड़े पहनते समय कॉटन एंड लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स अच्छे रहे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा तो मम्मा उस कंप्लेन करती कि वो एग्जाम बिना कुछ खाए भी एग्जाम के लिए चला गया मेरा बच्चा। तो प्लीज चिल्ड्रन इंश्योर दैट कि आप अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना खाने से मेरा मतलब है कि अपने ब्रेकफास्ट को भी बैलेंस रखें। कार्ब जरूर लें, उसमें दूध लें, प्रोटीन है, यू कैन गो इन फॉर बनाना की एनर्जी देता है। मैं तो कहूंगी माँ के हाथ का बनाया हुआ पोहा या पराठा, जो बहुत तला हुआ ना हो, पराठा हो, दही के साथ आप इसे जरूर खाएं। वेरी शुगरी काइंड ऑफ ड्रिंक्स को अवॉइड करें, बहुत ज्यादा तला भुना खाना जो है उसको अवॉइड करें, ब्रेक करें, राइट। ब्रेड खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दैट्स अगेन कार्ब्स, तो ब्रेड को आप खा सकते हैं, बटर लगा के खा लीजिए, गुड फैट्स के साथ जो है खा लीजिए उसको। तो और घर में ही आपके पास समय है तो अपने दिमाग को सक्रिय रखिए, मतलब कीप इट एक्टिव, कीप योर माइंड वेरी अलर्ट मोड पे और एक्टिव रखिए। तो इसमें क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप केवल रिवाइज कीजिए। डोंट गो इन फॉर एनी नई चीज को मत पढ़िएगा ताकि आपको फिर वो अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, हाय मैंने वो नहीं पढ़ा। तो प्लीज जो आपने पढ़ लिया है आपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप जो आपने पढ़ा है उससे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इट डजंट मीन कि यू हैव नॉट स्टडीड द सिलेबस, ठीक है, आपने आपका जो सिलेबस है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक्स्ट्रा जो आपने नहीं पढ़ा है कृपया एग्जाम के पहले उसे ना पढ़िए, केवल ब्रश कीजिए, उसको आप रिवाइज करते चले जाइए ताकि आपका जो है दिमाग अलर्ट मोड में रहे, स्ट्रेस मोड में नहीं, अलर्ट मोड में रहे। परीक्षा हॉल में जल्दी पहुंचे, स्कूल आप पहुंच गए हैं, इट डजंट मीन कि आप नीचे बैठे हुए अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं या फिर अपने डिफिकल्टीज को डिस्कस करते हुए आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं। डोंट डू दैट, अपने आप को काम रखिए, पॉजिटिव रखते हुए एग्जाम हॉल जो है वहां पर आप जल्दी पहुंचिए। तो आज मेरा कारक पढ़ाने का मूड था बट बिकॉज ये बच्चों की रिक्वेस्ट आई है तो मैंने ये बना दिया है कि एग्जाम के पहले वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। बच्चों परीक्षाएं जिंदगी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बट इसको टैकल करने का एक नजरिया है और वो है पॉजिटिव और सकारात्मक नजरिया, अगर आपने इसको अपना लिया है। एंड सम टिप्स हाउ टू मैनेज योर ओन सेल्फ, कि अपने स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं। बट एज अ स्टूडेंट आपके लिए परीक्षा, अब जो कल जो एग्जाम लिखने वाले हैं या आने वाले आज दिन में जो एग्जाम लिखने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। एग्जाम का टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फ्रॉम मेरी तरफ से आप लोगों के विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप एंड विश एंड प्रे दैट यू कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है बच्चों, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। एंड प्लीज मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इफ आई एड्रेस योर इश्यूज, तो प्लीज लिखिए मुझे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।